गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि अभी हमारा टॉपिक जो है चल रहा है डिजीज के बारे में, और डिजीज में हम लोगों ने कल सिफिलिस तक के टॉपिक को कंप्लीट किया था, और आज हम लोग सिफिलिस के आगे के जो बचे हुए डिजीज हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद का जो मेजर पोर्शन आएगा वह है इम्यूनिटी के बारे में। हम लोग डिजीज को आज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद का इस चैप्टर का दूसरा जो पोर्शन है वह है इम्यूनिटी, जिसे हम लोग अब उसके बाद के क्लास में देखेंगे। तो पहले आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिफिलिस के बाद के डिजीज को, और वह जो डिजीज है वह है एमीबियोसिस। इसी को हम लोग एमोबिक डिसेंट्री कहते हैं। एमोबिक डिसेंट्री, ठीक है। देखिए एमोबिक डिसेंट्री का जो पैथोजेन है, यानी यह किस पैथोजेन की वजह से यह डिजीज होता है एमीबियोसिस, तो सबसे पहले तो आप जान लो कि डॉक्टर जब आपको खास करके मना करता है कि बाहर के फूले हुए खाना नहीं खाना चाहिए, डैट मीन्स कि जहां पे कोई मक्खी लग रही हो या फिर खुला हुआ पानी हो, डस्ट आ रहा हो, रोड के किनारे की जो चीजें हैं, यानी जो अनहाइजेनिक जो हैं, तो वैसे खाने को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये एमीबियोसिस काउज करने का। तो ऐसे बहुत सारे खास करके अनहाइजेनिक फूड जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, और आज का जो सिचुएशन है वो तो अनहाइजेनिक फूड के साथ साथ हमें पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है वो हाइजेनिक करना पड़ेगा, पूरे बॉडी को, आसपास के लोगों को हाइजेनिक कंडीशन में मेंटेन रहना पड़ेगा। तो अभी सिचुएशन अब ऐसा हो चुका है, कितने लोगों का लाइफ स्टाइल ही चेंज होने वाला है। जो लोग पहले जैसे तैसे रहते थे वो लोगों को भी जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो डिजीज हैं जो इस चीज के लिए फैक्टर बने हुए हैं, तो देखते हैं। चलिए, तो इसके जो ये एमोबिक डिसेंट्री है, तो एमोबिक डिसेंट्री के जो पैथोजेन है वह है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पूरा जो है इसका पैथोजेन हुआ। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह कैसा पैथोजेन है, तो यह मोनोजेनेटिक पैथोजेन है। कहने का मतलब कि जैसे इसके पहले मलेरिया में क्या देखे थे हम लोग, डाइजेनेटिक था, यानी उसके दो होस्ट थे, एक फीमेल एनोफिलिन होस्ट था और दूसरा ह्यूमन बींग्स होस्ट था, लेकिन यहां पर इसके सिंगल होस्ट होंगे। इट इज मोनोजेनेटिक, तो मोनोजेनेटिक कहने का मतलब दैट इज ओनली वन होस्ट, और वो होस्ट कौन सा होगा, तो वो होस्ट ह्यूमन होगा। तो हम लोग जो है इसके एक सिंगल जो है वह होस्ट है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लैम्बर, लैम्बर साहब ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की कि यह जो पैथोजेन है, इस तरह के जो सिम्टम्स है डिजीज के, और उसका नाम चूंकि यह अमीबा से रिलेटेड है इसलिए इसके नाम पड़े एमीबोइक डिसेंट्री, और इसको लैम्बर साहब ने डिस्कवर किया। अब देखो कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस पैथोजेन का बॉडी के ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन, यानी एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसे कहते हैं हम लोग सिस्ट वॉल। वो सिस्ट वॉल रेसिस्टेंस होता है किसके, तो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव जूस के, लेकिन वो डाइजेस्ट होता है ट्रिप्सिन से जो हमारे इंटेस्टाइन में आता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं आप लोग, कहाँ पे कौन सा जूस आता है ये क्लियर मैंने पढ़ा चुका है आप लोगों को, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन में क्या कहता है कि ट्रांसमिशन कहता है कि ये हमारे बॉडी के स्टमक में पहुंचता है, ठीक है ना, और बॉडी के स्टमक में जब पहुंचेगा तो वहां पर जो उसका सिस्ट वॉल है उस सिस्ट वॉल से जो पैथोजन है एंडोमीबा हिस्टोलिटिका वो रिलीज होगा और इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाकर के यह हमारे आरबीसी को खाना चालू कर देगा, आरबीसी को मारेगा, यानी कि खाने का मतलब आरबीसी को मारेगा, जिसके वजह से हमारे स्टूल में ब्लड जो है वह डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो इसी तरह से तो ये जो और साथ ही साथ कुछ वेक्टर भी हैं जो इसको क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो ट्रांसमिशन में सबसे पहले फीकल एंड ओरल, आप लोग देखो कि सबसे ज्यादा जो डिजीज है वो दो ही मोड से ट्रांसमिशन हो रहा है, या तो फीकल एंड ओरल रूट और नहीं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। 90% डिजीज किसके वजह से, तो फेकल एंड ओरल रूट की वजह से और साथ ही साथ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमारे आसपास के एनवायरमेंट में है और वहां पे जाकर के हमने इनहेलेशन किया तो वो हमारे बॉडी में इंटर कर गया। और अगर हम लोग बात करें ये फेकल एंड ओरल रूट की, तो दैट मीन्स की जो ओपन डेफिकेशन है इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको इतना सीरियसली लिया एंड ओपन डेफिकेशन को इतना ज्यादा खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत सारे डिजीज को होने के लिए। तो फीकल एंड ओरल रूट, साथ ही साथ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और उसके साथ साथ कुछ वेक्टर हैं, वेक्टर जैसे कि फ्लाई और कॉकरोच के थ्रू। तो ये सब जो है जिसके वजह से ये ट्रांसमिशन होता है। और साथ ही साथ आप ये समझो कि जो सिस्ट हम लोग अभी बात किए थे, तो सिस्ट आ आई स्टमक एंड रीच टू इंटेस्टाइन। सिस्ट वॉल is resistant to gastric juice। अगर gastric juice से वो क्या है resistance है तो यानी कुछ नहीं होगा उससे, resistant to gastric juice but digested by it digested by trypsin। तो आप सोच रहे होंगे सर जब ट्रिप्सिन से ये डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें डिश कैसे कॉज करता है इंटेस्टाइन में जाके, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रिप्सिन से भी बच के निकल जाते हैं। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में 10 लोग चीटिंग कर किए और उसमें से 10 में से 8 पकड़े गए, 2 उसमें से भी बच जाता है, हमारी नजरों से भी बच जाता है। तो जो 2 जो वो चीटिंग करते हुए बच गया That means कि वो बहुत चलाक वाला क्या था सिस्ट था जिसके ऊपर ट्रिप्सिन यानी कि मैं काम नहीं कर पाया, समझ गए बात को, तो डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन। अब देखो इन इंटेस्टाइन पैथोजेन रिलीज फ्रॉम सिस्ट वॉल एंड इट स्टार्ट टू इट
आरबीसी। और फिर ये क्या करेगा, जब वहां से रिलीज होकर के हमारे इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या खाना चालू कर देगा, हमारे आरबीसी को खाना चालू कर देगा। अब इसका देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 4 वीक या और मोर भी हो सकता है। तो 2 से 4 वीक तक के लिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, कहीं कहीं पे आपको इससे भी ज्यादा मिलेगा तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, बट इन जनरल जो है वो इस तरह से रहता है। ओके, अब ये देखिए, देखो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो डायमॉर्फिक फॉर्म में होता है, एक का नाम है मैग्ना और दूसरे का नाम है माइगोटा। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात, ये डायमॉर्फिक फॉर्म में होता है, यानी दो अलग अलग इसके फॉर्म हैं, सभी एक फॉर्म में नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन डायमॉर्फिक फॉर्म, वन लार्जर एंड हार्मफुल, जो एक फॉर्म होगा वो साइज में बड़ा भी होगा और वो हार्मफुल भी होगा, उस फॉर्म का नाम है मैग्ना। तो वन लार्जर एंड हार्मफुल फॉर्म, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैग्ना। और दूसरा क्या होगा, अनदर स्मॉल एंड हार्मलेस फॉर्म, स्मॉल एंड हार्मलेस फॉर्म उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माइनुटा, MINUTA, उसका नाम माइनुटा हो जाएगा। तो एक एनदर जो स्मॉलर फॉर्म होगा, एक का नाम मैग्ना और दूसरे का नाम क्या हो गया, तो दूसरे का नाम हो गया माइनुटा। तो ये दोनों जो है, एक मैग्ना और दूसरा माइनुटा जो है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसको मैंने इस तरह से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्म को आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आपको हिट करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखो कि कैसे पता चलेगा, यानी डायग्नोज कैसे करते हैं हम लोग इसका। डायग्नोज करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक कॉम्पोनेंट है प्रोटीन का बना हुआ जिसका नाम है चारकोट लेडेन क्रिस्टल। तो यानी कि डायग्नोज की अगर बात आए, डायग्नोज क्या क्या बता रहे हैं कि चारकोट लेडेन क्रिस्टल एक कंपोनेंट है जो कि प्रोटीनियस कंपोनेंट है, चारकोट लेडेन क्रिस्टल, ये कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है। तो द प्रेजेंस ऑफ चारकोट लेडेन क्रिस्टल इन इस्नोफिल, इस्नोफिल आप जान रहे हैं डब्ल्यूबीसी का टाइप है, द प्रेजेंस ऑफ चारकोट CHARCOT चारकोट लेडेन क्रिस्टल, तो ये बना हुआ किस चीज का है, मेडअप ऑफ प्रोटीन इन इस्नोफिल। तो इस्नोफिल में अगर इसका प्रेजेंस मिलता है तो इसका मतलब समझ लो, यानी जिस पेशेंट का इस्नोफिल है, डायग्नोज कैसे पता करेंगे कि वो सफर कर रहा है इस डिजीज से। मान लिया आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दिए और आप डॉक्टर के पास गए कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करें, तो डॉक्टर जो है कन्फर्म करने के लिए टेस्ट लिख देगा, डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जाएंगे, आपका ब्लड ले लेगा और उस ब्लड से इस्नोफिल को निकालेगा अलग करके,
और उस स्नोफील में वह ट्राई करेगा कि यह कंपोनेंट यानी प्रोटेनियल कंपोनेंट है कि नहीं है। अगर है तो मतलब है कि पेशेंट जो है वह सफर कर रहा है इस डिजीज से। ओके, तो ये डायग्नोज हो गया। डायग्नोज के बाद में देखिए डायग्नोज, और डायग्नोज के बाद में अब देखिए ये नेक्स्ट जो है, तो ये इस तरह से पता चल गया कि हाँ वो है या नहीं। और उसके बाद में सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, तो सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड अलोंग विथ स्टूल या डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज, पेशेंट डिस्चार्ज ब्लड अलोंग विथ फीसेस या स्टूल, ठीक है। साथ ही साथ इस तरह का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि उसमें जो है वह पेशेंट जो है वह ब्लड अलोंग विथ फीसेस यानी स्टूल के साथ में ब्लड आएगा, यानी रेड रेड जो है वह कुछ इस तरह से। साथ ही साथ जो एब्डोमिनल पेन है यानी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है वह भी एक इसका सिम्टम्स में से एक है। क्यों ऐसा, जो एब्डोमिनल पेन होगा या जो इस तरह का डिस्कम्फर्ट एब्डोमिनल पेन होगा वो क्यों, क्योंकि यह रह रह के थोड़े कहते हैं ना कि ममोड़े के साथ स्टूल डिस्चार्ज होना, तो ममोड़े का मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको कि पेट में ममोड़े आ रहे हैं। ममोड़े का मतलब कि लगेगा कि कुछ अलग डिस्कम्फर्ट टाइप का, दर्द टाइप का, तो उसी को यानी पेन इन एब्डोमिन। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में ट्रिनिडाजोल वगैरह जो है इसके कंपोनेंट जो है वह चलाता है डॉक्टर। तो ये जो होते हैं वह ये जाकर के इस पैथोजेन को यानी इस चीज को मारने का काम करता है, एंटामोबास्टुलिटिका को मारेगा। तो वो ट्रिनिडाजोल वगैरह जो है और मेट्रोनिडाजोल ये सब, वैसे भी कभी भी हम जाके बोलते हैं ना कितने दिन से पेट में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डॉक्टर जो है ना अल्बेंडाजोल बहुत कॉमन चलता है, अल्बेंडाजोल लिख देता है। तो उसी ये जोल वर्ड जो लगा रहे तो समझो कि कुछ पेट से इन्फेक्शन को क्लियर करने वाला ड्रग है, जैसे अल्बेंडाजोल जानते हैं, मेट्रोनिडाजोल, जोल, ट्रिनिडाजोल, ये सब जो ड्रग हैं, ये सब जो है वो कॉमन ट्रीटमेंट के लिए हैं इसके, यानी किसके लिए, तो वो है एमीबॉयसिस के लिए। तो इस तरह से एमीबॉयसिस जो है वो पूरा कंप्लीट हम लोग देख लिए। तो ये एमीबॉयसिस यानी अमीबा से रिलेटेड जो डिजीज था उसके लिए है, ये कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट अब आइए देखेंगे हम लोग तो ये एक डिजिट जो है वह अमीबा से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे काला हजार, जिसे डमडम फीवर भी कहते हैं, बहुत छोटा सा है काला हजार, और इसी को कहते हैं हम लोग डमडम फीवर। डमडम फीवर इसलिए बोलते हैं, डमडम इज ए प्लेस नेम,
इन कोलकाता। दमदम इज ए प्लेस नेम, प्लेस नेम इन कोलकाता। ये कोलकाता का एक जगह का नाम है दमदम, वहीं से जो पेशेंट जो है वो आइडेंटिफाइड होता है उसी के नाम पे ये हो गया दमदम फीवर। ठीक है, ऐसे एक्चुअल नाम जो है वह है काला आजार। इस काला आजार का जो पैथोजेन है, इस पैथोजेन का नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी, तो लिस्मेनिया डोनोवानी जो है वह इसका पैथोजेन है। और ये जो है फ्लेबोटोमस, एक क्या कहते हैं, मतलब कि एक इसका वेक्टर है जो इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरह से लिस्मेनिया डोनोवानी तो मतलब पैथोजेन हुआ जिसके वजह से यह डिजीज होता है। कौन सा? तो काला आजार। कालाजार भी बहुत ज्यादा लोगों को मारा है और आज के डेट में इसके वैक्सीन और ड्रग बहुत आसानी से अवेलेबल है, लेकिन एक टाइम पे यह भी बहुत खतरनाक बीमारी था। तो इस वजह से यह बहुत ज्यादा जो है एक टाइम पे भयावह बीमारी में से एक माना जाता था। कितने लोगों का, खास करके एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनको ये काला आजार हुआ, और काला आजार इंडिया में बहुत ज्यादा था, उस इलाज कराने के लिए यूएसए चले गए। जब यूएसए गए तो वहां पे उनका सारा तरह का टेस्ट हो गया, लेकिन काला आजार का वहां पे टेस्ट नहीं किया क्योंकि वहां पे वो कॉमन नहीं था, लोग नहीं जानते थे, कुछ पता नहीं चला। और ट्रीटमेंट करते करते जो है उनका डेथ हो गया। तब डेथ होने के बाद में वो लोग का दिमाग काम क्या किया, तो इंडिया से आया, तब तक इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। तब उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उस सैंपल का जो ब्लड सैंपल लिया था वो था उनके पास, उस सैंपल का काला जार का टेस्ट किया, तो देखा कि ये काला जार से सफर कर रहा था। तो कितनी बार जो डिजीज है वो किसी एक पार्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और दूसरे जगह उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से भी वह पर्सन का उसके वजह से डेथ हो जाता है। तो हर बीमारी के लिए जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका ही चले जाएं। जो कुछ ऐसे डिजीज हैं जो उस पार्टिकुलर रीजन में ज्यादा लोग उसके बारे में अवेयर है, ज्यादा जानते हैं, तो हो सके उसका ट्रीटमेंट आसानी से वहां पर हमें मिल जाए। तो इसीलिए कोई ऐसे डिजीज जो है जो उस पार्टिकुलर रीजन में है तो उनको वहीं पर इलाज कराना ज्यादा बेहतर हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज है लिस्मेनोवानी, ये ट्रांसमिट होता है फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइज से। फ्लेबोटोमस ट्रांसमिटेड बाई फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइज से। काला आजार में क्या क्या हो सकता है? तो काला आजार में, काला आजार का टीका यानी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, काला आजार में फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, वोमिटिंग, ये सारे जो हैं इसके सिम्टम्स में से एक है। तो कालाजार हो गया। कालाजार के बाद में नेक्स्ट, बस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आप परेशान होंगे कि बाकी ये सब डिजीज जो इतना लंबा, इसमें इतना ध्यान रखो। पैथोजेन का नाम लिस्मेनिया डोनोवानी, और ट्रांसमिट किसके वजह से होता है? तो ट्रांसमिट होता है ये फ्लाइज है यानी फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइज से। तो ये दोनों नाम जो है बस आपको इसमें ध्यान रखना है। कालाजार में बाकी जैसे दूसरे बीमारी का एंटीबायोटिक चलाया जाता है, इसके भी बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है वो चला करके इसको ठीक करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज, यानी अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा कौन सा डिजीज चल रहा है? तो ये जितने भी हम लोग
अभी एमीबियोसिस यानी अमीबा से, मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम से, तो ये सब जो है वो हमारा प्रोटोजोन्स डिजीज में से एक है। सब प्रोटोजोन्स डिजीज के ही एग्जांपल में से एक है। तो ये सभी जो है वो हमारा प्रोटोजोन्स डिजीज ही चल रहा है। दूसरा देखिए लास्ट जो है ट्राइकोमोनेसियास, जिसे हम लोग वेजिनाइटिस, लिपोरिया, वेजिनाइटिस ल्यूकोरिया, खास करके फीमेल में ज्यादा होने का ये चांसेस रहता है, क्योंकि वहां पे वेजाइना में स्वेलिंग और ड्यूरिंग द यूरिन डिस्चार्ज जो है वह बर्निंग सेंसेशन काउज करता है। फीमेल मेल में भी होता है लेकिन कम होता है मोस्टली जो है वह, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फीमेल के वेजाइना में ये सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है वेजिनाइटिस ल्यूकोरिया। वेजिनाइटिस ल्यूकोरिया का जो पैथोजेन है वह है ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। तो पैथोजेन ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, और इसी वजह से इसका दूसरा नाम जो है ट्राइको मोनालिस जो है, जो इस डिजीज के क्योंकि इसके पैथोजेन का, या ट्राइकोमोनियासिस भी कहते हैं, ट्राइकोमोनियासिस MONA ट्राइकोमोनियासिस भी कहते हैं, या ट्राइकोमोनालिस दोनों जो है वो कह सकते हैं, बट फेमस जो है वो वेजिनाइटिस ल्यूकोरिया से है। और इसके अगर हम लोग सिम्टम्स देखें बर्निंग सेंसेशन, इचिंग ड्यूरिंग यूरिन डिस्चार्ज, और साथ ही साथ ये जो पैथोजेन है मोस्टली लाइव करता है वेजाइना इन वुमेन, मेल के यूरेथ्रा में, इन फीमेल एंड इन मेल एंड यूरेथ्रा। जनरली दिस पैथोजेन इज लाइव इन वेजाइना। तो ये वेजाइना मेल फीमेल के वेजाइना में जो है वह सबसे आसानी से ये लाइव करता है, ठीक है। तो ये दो और डिजीज, और ये इस तरह से हमारा जो भी प्रोटोजोन डिजीज थे वो कंप्लीट हो गए। प्रोटोजोन डिजीज कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग देखेंगे हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज में हम लोग दो देखेंगे, एक देखेंगे एस्केरियासिस और दूसरा देखेंगे नेक्स्ट हम लोग फ्लेरियासिस। एस्केरियासिस एंड फ्लेरियासिस, जिसे एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं यानी हाथी पांव बोलते हैं हम लोग, तो वो दोनों को हम लोग बारी बारी ये इस तरह से देखेंगे। तो हेडिंग आपका होगा हेलमिंथिक डिजीज। देखिए प्लैटी हेलमिंथ जिसे हम लोग फ्लैट वॉल और दूसरा नेमेटोड जिसे हम लोग राउंड वॉल, ये दोनों जो हैं यानी प्लैटी हेलमिंथ और नेमेटोड जो हैं यही दोनों कंस्टिट्यूट होकर के क्या बनाते हैं, तो ये हेलमिंथ बनाते हैं।
थैलेमिन्स में ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक। और इन्हीं से होने वाले जो डिजीज हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस जो है, ये जो डिजीज है उसके पैथोजेन जो है वो एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है वो पैथोजेन का नाम है। तो ब्लू से लिख लेंगे हम लोग, जो पैथोजेन है इसी के नाम से इसका नाम एस्कैरियासिस रखा गया है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है वो इसके पैथोजेन है। और इस पैथोजेन का सबसे बड़ा, मतलब कि कहें जो यह भी जो है वो जनरली मोनोजेनेटिक है। बहुत सारे एस्कैरिस मिलकर के एक सिंगल ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, एक अकेला एस्कैरिस जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो ग्रुप में यानी बहुत सारे एस्कैरिस जो है वो आपस में मिल करके वो क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट करेंगे। तो ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है और बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे देखते होंगे आप लोग कि बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं गांव वगैरह में खास करके मिट्टी खाने लगते हैं या जो क्ले वगैरह है उसको खाने लगते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, ये आसानी से मिट्टी वगैरह में या क्ले वगैरह में जो है ये होता है और वो उसके बॉडी के स्टमक में चला जाता है। एक्चुअल में यह इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट का मतलब हमारे बॉडी के सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट है। तो ट्रांसमिशन में देखिए, इट इज एंडो पैरासाइट एंड इट इजिली इन्फेक्ट टू चाइल्ड ड्यू टू ईटिंग हैबिट ऑफ सॉइल एंड क्ले। तो सॉइल और क्ले में होने की वजह से ये जो छोटे बच्चे हैं उसको आसानी से इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो खास करके ये पहले गांव वगैरह में ये डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। एक तो साफ सफाई कम होती थी, लोग एजुकेटेड ज्यादा नहीं होते थे, चीजों को नहीं समझते थे, ओपन डेफिकेशन गांव में सबसे ज्यादा होता था और इस वजह से छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा अगर घूमते घूमते मिट्टी के घर होते थे तो वो आसानी से बच्चे क्या करते थे, उसके जमीन से मिट्टी खा लिए या खेतों वगैरह में गए तो वहां से सॉइल को लेके खा लिया थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये आसानी से बच्चे जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, वो हमारे इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करते मारने का काम या डैमेज करने का काम करता है और जिसके वजह से जो हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो इसके सिम्टम्स, इट ऑब्स्ट्रक्ट द ऑब्स्ट्रक्ट या डैमेज the intestinal passage and cause abdominal discomfort and cause abdominal discomfort। साथ ही साथ indication क्या होता है, indication याद है, digestion में बताया था
यानी कि ओवर ईटिंग किया जिसके वजह से, या फिर जो खाना हुआ खाया है वो रिवर्स में आ रहा है जिसके वजह से यहाँ पे जलन वगैरह होने लगता है, तो वह इंडिकेशन वोमिटिंग या फिर डायरिया। थोड़ा सा मीनिंग बार बार कंफ्यूज करता है, जैसे इसके पहले ल्यूकेरिया लिखने में कंफ्यूजन आ रही थी, थोड़ा यहाँ डायरिया लिखने में, तो थोड़ा सा याद रखेंगे वहां ल्यूकेरिया में LUCORROHOE है, यहाँ पे डायरिया में DIARROHE है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आता है इसमें ये सब वर्ड को कुछ कुछ लिखने में। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसके ये सिम्टम्स हो गए। तो इस तरह से यानी खास करके बच्चों में इस तरह से ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, तो डीवॉर्मिंग्स, जेंटल मेंडाजोल, ये सब जो है वो इसके ट्रीटमेंट है, डिसवॉर्मिंग ड्रग है। डीवॉर्मिंग मेट्रोजोल, एस्कोपार, एक और, ये सब जो है वो इसमें ट्रीटमेंट में ड्रग के रूप में चलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो है हमारा ये हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज देखिए, फिलेरियसिस, एस्कैरिस के बाद में फिलेरियसिस को ही हम लोग एलिफेंटेसिस कहते हैं। एलिफेंटेसिस क्यों ऐसा, सबसे पहले अगर इसके हम लोग पैथोजेन की बात करें, तो पैथोजेन में दो स्पेसिस जो है वो इंडिया में खास करके बहुत सारा कॉमन है। एक है वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड दूसरा है वोचेरिया मलाई। मलाई वो दूध वाली मलाई नहीं, इसका नाम है मलाई। देखिए वोचेरिया RORIA, ठीक है, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वोचेरिया का स्पेलिंग WUCHERORIA, तो वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मलाई MLAYI, तो ये दोनों जो हैं वो इसके दो पैथोजेन हैं, दोनों दो अलग अलग स्पेसिस, और दोनों जो हैं वो क्या कॉज करते हैं, तो फिलेरियसिस, या इसी को कहते हैं एलिफेंटेसिस। ये दो अलग अलग पैथोजेन हो गए। ट्रांसमिटर जो है ये क्यूलेक्स करके एक मॉस्किटो होता है जिसके काटने से होता है। तो ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज। तो देखो एक चीज की, मैक्सिमम जो मॉस्किटो के काटने से जो डिजीज हो रहा है वो सब फीमेल ही है, मेल काटता ही नहीं है। वैसे भी मेल बेचारा सीधा साधा होता है, इतनी सारी जिम्मेवारियां उसके ऊपर होती है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उसी तरह यहां पर मेल मॉस्किटो कुछ नहीं करता है बेचारा, बहुत सीधा है। तो असली बीमारी की जड़ कौन है हर जगह, तो ये फीमेल ही है। तो फीमेल क्यूलेक्स यहां पर, दूसरे जगह फीमेल एनोफिलीज, तो जितने भी देख रहे हैं वो सब फीमेल मॉस्किटो ही है। मेल मॉस्किटो कुछ नहीं करता है बेचारा, वो शांत रहता है, उसे कोई चीज से मतलब नहीं है, किसी को ना काटेगा ना कुछ करेगा ना कोई बीमारी फैलाएगा। तो सारी बीमारी की जड़ ये फीमेल क्यूलेक्स ही है। और इंसान के सारे तबाही की जड़, नहीं तो इंसान क्या है, शांति से जीता रहे बेचारा, दो वक्त की रोटी मिले उसी में खुश रहे, तो दिन रात परेशान इसी के वजह से रहता है। पहले जॉब मिल जाए, जॉब के बाद बीवी मिल जाए, फिर बच्चा हो जाए,
फिर उसको अच्छे से हम ये कर दें, पूरी जिंदगी इसी में तबाह रहता है, शांति से नहीं जी पाता है। ठीक है, खैर छोड़िए इन सब बातों को। तो ट्रांसमिशन बाय ये ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इसके सिम्टम्स को देखिए, जिसके इंक्यूबेशन नहीं दिया है मतलब उसके इंक्यूबेशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म से आने वाले डिजीज हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत वैरी करता है, इस वजह से इंक्यूबेशन जिसका नहीं दिया है मतलब उसका इंक्यूबेशन नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो स्वेलिंग जो है हो जाते हैं लेग्स में एंड स्क्रोटम में। ठीक है, स्वेलिंग इन लेग्स एंड स्क्रोटम, तो ये लेग्स और स्क्रोटम में स्वेलिंग होने की वजह से ही इसको कहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एलिफेंटेसिस। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया एलिफेंटेसिस। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो डिजीज है किसकी वजह से, तो ये दोनों गुचेरिया बैंक्रोप्टी और गुचेरिया मलाई की वजह से जो हो रहा है, ये दोनों हमारे बॉडी के लिम्फैटिक सिस्टम में सर्वाइव करते हैं और वहां पे सर्वाइव करके ये क्या करते हैं, वहां पे स्वेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लेग्स है और स्क्रोटम जो है वह क्या करता है, स्वेल कर जाता है। तो ये हमारे लिम्फैटिक सिस्टम में सर्वाइव करने वाले हैं। दे सर्वाइव इन लिम्फैटिक सिस्टम दे सर्वाइव इन लिम्फैटिक सिस्टम। ट्रीटमेंट में देखिए, अल्बेंडाजोल, डाइथाइल कार्बोन, माइजीन, ये सब जो है इसके ड्रग हैं, खास करके अल्बेंडाजोल बहुत ज्यादा चलाया जाता है। ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में कौन है, ट्रीटमेंट में अभी हम नाम ले रहे थे अल्बेंडाजोल का, इसके पहले वाले में मेट्रोनिडाजोल आया था, ट्राइनिडाजोल आया था, तो यहां पर अल्बेंडाजोल आ गया। ठीक है ना, या कार्बामाइजिन, डाई कार्बा माइजिन, डाइकार्बामाइजिन, ये दूसरा ड्रग है, ये भी चलाया जाता है। तो इस तरह से फिलेरियसिस और एस्कैरिस ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, तो हेलमिंथिक डिजीज में बस इतना ये दोनों देखना है, एस्कैरियसिस और फिलेरियसिस। ओके, अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा स्किन डिजीज जो है वो फंगाई के वजह से होता है, तो मैक्सिमम जो स्किन डिजीज है दिस इज ड्यू टू द फंगाई, जैसे माइकोस्पोरियम है, ट्राइकोमोनास, ये सब जो है वो क्या करते हैं, तो फंगल डिजीज जो है वो काउज करने वाले हैं। तो देखिए फंगल डिजीज में हम लोग क्या देखेंगे पहले, तो रिंग वर्म, यानी कि जो रिंग लाइक, नाम क्यों पड़ा इसका ये डिजीज का, रिंग वर्म नाम इसलिए पड़ा कि पहले जो है इस तरह का या कुछ रिंग के जैसा बॉडी के स्किन के ऊपर बहुत सारा स्ट्रक्चर बना देता है। तो पहले समझते थे लोग कि ये जो है वो कंप्लीटली रिंगी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म जो डिजीज है
रिंगवर्म डिजीज के पैथोजेन नहीं, पहले ट्राइकोडर्मा यानी टीम जो है इसमें हम लोग स्पेसिस को देखेंगे अलग अलग, ठीक है, और सबका अलग अलग काम है। तो ट्राइकोफाइटॉन है, इपिडर्मोफाइटॉन है और माइक्रोस्पोरम है। तो ट्राइकोफाइटॉन इपिडर्मोफाइटॉन ट्राइकोफाइटॉन इपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ये तीन अलग अलग जो है, तीनों अलग अलग हैं और तीनों से रिंगवर्म हो सकता है। बस ये तीनों का काम क्या है कि कोई हमारे नेल को इफेक्ट करता है, कोई हमारे स्किन को इफेक्ट करता है और हेयर को, तीन चीज इसमें देखना है। कोई हमारे नेल को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई हमारे हेयर को इफेक्ट करेगा और कोई हमारे नेल को इफेक्ट नहीं करेगा, और बाकी जो है वो दो दो चीज को इफेक्ट करेगा। तो ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ये तीन अलग अलग हैं और तीनों जो है ये हमारे नेल हेयर और स्किन से रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शन काउज करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका, ट्रांसमिशन, तो इनका ट्रांसमिशन जो है वह या तो सॉइल के थ्रू हो जाएगा, सॉइल के जिस सॉइल में ये है उस सॉइल से कांटेक्ट में आने से, या तो यूजिंग टॉवेल से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर हम लोग टॉवेल्स हो गया या क्लॉथ हो गए या फिर कॉम हो गया, ये सब यूज अगर कर लिए तो उससे क्या हो सकता है, आसानी से ये डिजीज हो सकते हैं। और सबका अलग अलग जो है, जैसे ट्राइकोफाइटॉन वो क्या करता है, स्किन और हेयर को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा या तीनों चीज को इन्फेक्ट कर सकता है। तो तीनों को अलग अलग देखें, जैसे सबसे पहले ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन इन्फेक्ट स्किन नेल एंड हेयर, ठीक है, ये लगभग तीनों चीजों को खास करके इन्फेक्ट करता है। उन तीनों चीजों में स्किन और हेयर सबसे ज्यादा ऐसे इन्फेक्ट तीनों पार्ट को करता है, किसको, तो इन्फेक्ट जो है वो स्किन को भी, नेल को भी और हमारे हेयर को भी इन्फेक्ट करता है। उसके बाद में एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन हमारे स्किन और नेल को करेगा और हेयर को नहीं। तो सेकेंड एपिडर्मोफाइटॉन अटैक ऑन स्किन एंड नेल, नॉट ऑन हेयर। और उसी तरह थर्ड जो है माइक्रोस्पोरम, तो माइक्रोस्पोरम जो है वो अटैक करता है हमारे नेल को, स्किन को, लेकिन हेयर को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ये भी कौन, तो माइक्रोस्पोरम हमारे नेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे हेयर और स्किन को करेगा, अटैक ऑन हेयर एंड स्किन, नॉट जनरली जो है वो हमारे नेल को इन्फेक्ट नहीं करता है, कौन, तो ये माइक्रोस्पोरम। ट्रीटमेंट में देखो ग्रीसियोफल्विन जो है वह ट्रीटमेंट में दो ड्रग चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे, देखिए हम लोग डॉक्टर नहीं है,
हमें बस बुक में जो एक दो नाम दिया है बस उसको, लेकिन आपको ट्रीटमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट जानकारी के लिए रखिए या एमसीक्यू है तो सॉल्व करने के लिए। ग्रीसियो फॉल्विन, ग्रीसियो फॉल्विन को हम लोग कैसे लेते हैं, तो ओरली हम लोग इसको लेते हैं, किसको, ग्रीसियो फॉल्विन को। ऐसे डॉक्टर जो है वो बहुत सारा एंटी फंगल जो है क्रीम लिखता है, ठीक है ना, तो माइक्रोस्पोरम के लिए अलग, तो ऐसे बहुत सारे एंटी फंगल जो है वो मार्केट में क्या है, जैसे पेंडर वगैरह भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पेंडर क्रीम आता है तो उसको भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या मिकोनाजोल जो है, तो मिकोनाजोल जो है वो ऑप्टिकली लेते हैं यानी लगाने का काम करता है, और ये ओरली लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्रीम के फॉर्म में या फिर आउटसाइड द बॉडी जो है इसका यूज करते हैं, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हुआ। बस हमें इतना ही जो है वो देखना है इस पार्ट में, तो ये हमारा जो है वो डिजीज का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ ऐसे डिजीज जो हैं, जैसे खास करके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज, किसी को एक्यूट हार्ट डिजीज हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर हो गया, या किसी को प्लाक हो गया है हार्ट में, तो ये सब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में से एक है, ठीक है। तो ये हमारा इन्फेक्शियस डिजीज का पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये इंफेक्शियस डिजीज हमारा अब कंप्लीट हो गया है, बस दो चार नाम जो है वो नॉन इंफेक्शियस डिजीज के हम लोगों को जानना है, ओके ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे।